आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। प्रदेश में 3 संभाला मोर्चा, बचाएगी कांग्रेस। उज्जैन में बारिश से शिप्रा नदी का बड़ा जलस्तर, बहकर आई जलकुंभी को हटा रहा निगम का अमला, जारी किया अलर्ट। गुरु पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए ब्रजघाट पहुंचे श्रद्धालु, श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी, कोरोना के चलते प्रशासन दिखा अलर्ट। मध्य प्रदेश में कोविड-19 के कम होते ही अब 3 सीटों पर होने वाले विधानसभा के उपचुनाव ने सियासी सरगर्मियां बढ़ा दी है। दमोह उपचुनाव के बाद अब कांग्रेस की नजर रेगांव, जोबट और पृथ्वीपुर विधानसभा के उपचुनाव पर है। इसे लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पार्टी के सभी मोर्चा संगठन को सक्रिय भी कर दिया है। वहीं इन सीटों पर अन्नदाताओं को साधने के लिए किसान कांग्रेस ने अपनी पूरी राजनीति भी बना ली है। किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर ने बताया कि एक बार फिर उपचुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए किसान कांग्रेस अगस्त से उपचुनाव वाली सीटों पर नुक्कड़ सभाएं आयोजित करेगी। देश में जिस तरह से अभी उपचुनाव 3 विधानसभा क्षेत्रों में होना है, वहाँ मध्य प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी के जो मंशा है और निर्देश हैं, चुनाव से ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए किसान और आम जनमानस को न्याय दिलाना महत्वपूर्ण है। इस बात को लेकर माननीय कमलनाथ जी ने कहा है कि किसान कांग्रेस के लोग किसानों के बीच में जाकर और चौपाल मीटिंगें करें, और जो कांग्रेस सरकार ने, चाहे वो केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार रही हो, चाहे मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार रही हो। विगत दिनों से हो रही बारिश से उज्जैन और आसपास के क्षेत्र में रामघाट पर शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। इसके चलते बहकर आई जलकुंभियों को हटाया जा रहा है। इसे लेकर नगर निगम के रामघाट प्रभारी नीरज पथरोड ने बताया कि घाट पर बहकर आई जलकुंभी को JCB की मदद से हटाया गया है। ये नगर निगम की टीम द्वारा यहाँ पर सफाई कार्य किया जा रहा है। जैसे कि आपको पता है कि कल अच्छी बारिश इंदौर उज्जैन में हुई, जिससे हर साल की तरह जलकुंभियाँ बहकर यहाँ तक पहुँच गई है, और नगर निगम की टीम हमारी लगी हुई है, जिसमें हम लोग JCB और डंपर के माध्यम से जलकुंभी निकाल रहे हैं। साथ ही सारे घाटों को पुनः धोने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि परसों बाबा महाकाल की सवारी है। पर भी पानी आ गया था, घाट पर पानी आ चुका था, पुलिस चौकी के यहाँ पर पानी था। नीरज पथरोड, रामघाट प्रभारी। शनिवार को इंदौर के खातीपुरा सामेर रोड पर रहवासियों ने चक्का जाम किया। दरअसल वार्ड क्रमांक 20 में हो रही पानी की समस्या को लेकर खातीपुरा शुक्ला गांव के रहवासियों ने चक्का जाम किया। ग्रामीणों की माने तो पानी की समस्या को लेकर वार्ड के पार्षद सहित नगर निगम जोन के सभी अधिकारियों को संज्ञान में लाया गया है, लेकिन किसी भी जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते उन्हें यह कदम उठाना पड़ा है। चक्का जाम करा है, किस कारण करा है? आज हमने यहाँ पानी की समस्या, कचरे की समस्या, झाड़ू लगाने की समस्या, ड्रेनेज लाइन की समस्या को लेकर चक्का जाम कर रहे हैं। यहाँ पर लोगों के सालों से राशन कार्ड बंद है, उनकी पात्रता पर्ची, खाद्य पर्ची बंद पड़ी है, उसकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही, ना पार्षद सुनते हैं ना अधिकारी सुन रहे हैं। यहाँ का पार्षद कौन है? यहाँ के पार्षद महेंद्र चौधरी जी है। हाँ। जो कि वार्ड में कभी आते नहीं, कभी झांकते नहीं। यहाँ अगर जनता जन सहयोग से कोई काम कर लेती तो पार्षद जी उसको आके तोड़ जाते हैं, नुकसान कर देते हैं, उस काम को रुकवा देते हैं। कुल मिला के उनका काम ये है कि आप कोई काम मत करो, जो करना होगा जैसा करना हो कमीशन बाजी से हम कर लेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग कोई काम नहीं करोगे। तो ये समस्या है हमारे, हमारा राशन भी मिल गया। हम कितने साल का हो गया था पार्टी में? तो आपका यहाँ का जो पार्षद है, आप पार्षद के पास गए थे कि? हाँ, तो क्या बोल रहा है उसका कहना क्या है, पार्षद का कहना क्या है? हेलो, ये पढ़ रहे, बोले हमने फॉर्म भरा है, दिया है, आगे से आए नहीं बोले कि। शनिवार को गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए ब्रजघाट पहुंचे। यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। बता दें, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व का महत्व अपने आप में अलग ही बताया गया है। आज के दिन भक्त अपने गुरु की पूजा अर्चना करते हैं।
गौरतलब है कि कोरोना महामारी चल रही है, ऐसे में कोविड 19 की गाइडलाइन का पालन करने की सभी श्रद्धालुओं से अपील की गई और जल्द से जल्द गंगा स्नान करके अपने अपने गंतव्य स्थानों तक पहुंचने को कहा गया। शनिवार को कसरावत के बालासमुद गांव में श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा बेदीजी में विराजमान की गई। जैन समाज के सचिन जैन ने बताया कि पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की नवीन प्रतिमा गांव के स्वतंत्र कुमार जैन परिवार की ओर से विराजमान की गई है। सबसे पहले भगवान की पूजा अर्चना की गई और बाद में पालकी यात्रा निकालकर नगर भ्रमण करवाया गया। इसके बाद भगवान को विराजित किया गया। फिलहाल खबरों में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज़।